8 बजेंगे 9 बजेंगे ये। और भाई के देखो 110 cc। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा नाम विनोद कुमार और आज है 26 जनवरी। तो मैं आपको लेके जाने वाला हूँ 26 जनवरी राइड पे, जो कि मैं हर साल तो नहीं करता, फर्स्ट साल है मेरा। और फर्स्ट साल में मैं आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाने वाला हूँ, तो कोशिश बहुत अच्छी रहेगी। और हाईवे पे आज का सफर होने वाला है। अभी संडे को भी मैं गया था लेकिन वो बातचीत बनी नहीं, तो आज आपको कंप्लीट वीडियो उसकी मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम फिर से ग्रुप के साथ नहीं, आज हम सोलो जाएगा, और साथ में रस्ते में कोई और ज्वाइन करने वाला है, अगर ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं तो सोलो ठीक है। बिल्कुल अकेले जाएंगे, उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है हिमाचल में, यहाँ से 80 किलोमीटर करीब। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं बाइक पे। बहुत मजा आता भाई ये करने में। लेकिन अभी कल परसों एक डोमिनार लेके आए थे, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ यार। वो डोमिनार में बड़ा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि उसका हैंडल बहुत ज़्यादा वाइड है। तो भाइयों अभी चलेगी धक्का मुक्की करके। ऐसे ही ले चल टिंकू, ऐसे ही ले चलेंगे बिना इंजन स्टार्ट किए, पेट्रोल बचेगा यार। Didn't care for one another, you and I, you and I. Thought I was okay till something in me changed. Don't know why, don't know why. You got me high, but I'm sober. You make me lonely when I'm by myself. I should be free, but I'm hoping. Thought I'd still be feeling same as the beginning. Waste of time, waste of time. तो भाई लोग, हम लोग अभी इस टाइम पहुंच चुके हैं जौहर जी और अपने जो बूर सिंह महादेव जो भी मंदिर है उससे हम लोग अभी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर करीब पहले खड़े हुए हैं। और हमें जगह बड़ी अच्छी लग रही थी तो हमने कहा चलो खड़े हो जाते, थोड़ी शूटिंग शाटिंग कर ली जाए। और ये हमारे टिंकू भाई। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो? ये फर्स्ट टाइम आए हुए हमारे साथ अकेले। वैसे एक बार विनोद भाई आए हैं ठीक है, तो एक बार शिमला वाली वीडियो है यहीं कहीं होगी ऊपर, तो देख लेना, उसमें भी विनोद भाई आए थे अकेले और इसमें ये आए हैं, वो गाँव गए। तो मिलेंगे आपको अभी थोड़ी देर में आगे चल के ठीक है। यहाँ का जो सुकून है ना, अलग लेवल का है। मतलब चंडीगढ़ की ची ची पी पी से बिल्कुल शांत, एकदम शांत एरिया, शांति बिल्कुल शांति। और वैसे भी मैंने तुमको पहले बताया वीडियो में यार, ये पेड़ देख के ना मुझे और ही शांति मिल जाती है। मतलब कि यहाँ सिर्फ सिर्फ घर नहीं मिल सकता हमें, नहीं तो हम घर भी ले लेते। तो चलो फिर चलते हैं आगे। भाई लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम अपने डेस्टिनेशन पे।
और डेस्टिनेशन में पहुंच के क्या बताऊं यार आपको, यहाँ पे ना इतनी ठंड लग रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और ये रोड है, यहाँ से चलेंगे ऊपर ट्रैकिंग करके, 200-300 मीटर की ट्रैकिंग है रोड वाली, तो वो ट्रैकिंग करके अब चलेंगे सीधा ऊपर। और वाकई बहुत दूर बस है अपने भोलेनाथ, तो मैंने आपको बताया था आज मैं जाके दिखाऊंगा आपको, तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। क्या कर रहा बताओ, कितनी दूर आके सांस चढ़ गया हुए। क्या करेगा आगे, इतने में सांस चढ़ गया, कम खाया होता भाई, सांस चढ़ रहा ना के बराबर हो गए। रख लेनी है फोटो खींच, तू एक्सपीरियंस बताओ अपना कैसा चढ़ गया यार। हाय दोस्तों, भाई थक गए, अभी तो हम कुछ भी नहीं चढ़े हैं, चलो चढ़ जाएंगे यार धीरे करके। भाई बहुत सांस चढ़ गया, बस पूछो मत, अब नहीं हो रहा मन आगे जाने को, पर जाके मानेंगे अभी और ऊपर है। भाई जो भी नेक्स्ट टाइम के लिए आने वाला हमारे साथ बता देना भाई, ओविंदर मनीष खैरहाल टिंकू तो हमारे साथ ही है, विनोद जो भी लोग आना चाहता है संडे से एक दो दिन पहले बता दे, प्लान बना लो आ जाओ। बाकी सांस बहुत ना हो गई बहुत दूर है भोलेनाथ, 1 किलोमीटर और फिर हम पहुंच गए, पर जैसे से हम लोग चढ़े ना थोड़ी आदत पड़ गई है ना टिंकू। पेड़ नहीं काटने चाहिए यार, यहाँ पेड़ फिर से कटे हुए हैं। सांस बहुत चढ़ रहा है, एक तो हाइट, दूसरा भारी शरीर, तीसरा आदत नहीं है यहाँ की, सब चीज़ मिला के बराबर है, सांस बहुत चढ़ रहा है।
तो दोस्तों ये मिलाते हैं अपने एक भाई से जिसने चढ़ा दिया बहुत ऊपर बाइक को। भाई जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ चढ़ के? भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग ना हो गए भाई, 4 किलोमीटर नीचे खड़ी कर दी है। और भाई के देखो 110 cc ज़्यादा नहीं आएगी यहाँ तक। चलो ठीक है भाई। हो गई ना मेरी और टिंकू दोनों की, ठीक है, फिर भी हम 10-15 मिनट बैठेंगे फिर चढ़ना शुरू करेंगे। पसीने छूट गए यार, मतलब इतनी ठंड है, ये देखो ठंड के बाद भी यार पसीना ऐसा कैसे होता है? पर हम मानेंगे नहीं, हम जाके मानेंगे, क्योंकि हम चंडीगढ़ से नहीं माने जब, तो अभी क्या मानेंगे। तो भोलेनाथ आ रहे हैं। ऊपर पहुंच के ऐसा नज़ारा है, बिल्कुल देख सकते हो आप। और ये उधर काफ़ी अच्छा मैदान है, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है सारे। अभी वहाँ भी जाएंगे, घूम के आएंगे क्या है उधर। अब तो हमने घर आराम से जाना ही है। ये मेन मंदिर का दरवाज़ा है, तो पहुंच चुके हैं मेन मंदिर पे। ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, कैमरा अलाउड नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और ये हमारे पीछे जस्ट मंदिर है। तो मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड है, लेकिन मैंने खींची नहीं। मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता कि मंदिर के वहाँ आए हुए तो फ़ोटो खींचो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, जो लोग करते हैं कोई बात नहीं। तो ये पीछे हमारे मंदिर है और काफ़ी छोटा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, काफ़ी भीड़ भी नहीं है। तो अंदर भोलेनाथ ही हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा ये दर्शन करके तो बताना जरूर। तो यही मंदिर है वो भोलेनाथ, यहीं विराजते हैं। और बहुत देर के बाद हम पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करके। और वो जो जगह देख रहे हो वहाँ से मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊँगा अच्छे से। बहुत खूबसूरत जगह है फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये लोग खतरा देखियो यार, उस आदमी को देखना क्या कर रहा है। देखो देखो उस आदमी को देखो क्या कर रहा है, ऐसे घटिया काम करते हैं ना ये। भाई साहब बहुत मेहनत के बाद हम पहुंच गए, बहुत मेहनत के बाद। पीछे मेरे मंदिर है, तो पीछे थके हैं, तो आराम करके फिर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी के लिए वेट करो। 8 बजेंगे, 9 बजेंगे। ये आनंद वाला समोसा, तो जो लोग देख रहे हो
हम लोग लेके आए थे यार, ठीक है, रेटिंग को भाई हमारे, बट पूरा माल मटेरियल लेके आए, देखो चाय, बिस्किट, चिप्स, और इसमें क्या है, हरी चटनी, ठीक है। कैसा लगा भाई लोग? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने बहुत मेहनत की, बहुत एडवेंचर किया, पूरा सिंह महादेव के दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए अपने साथ साथ। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल भी दबा लेना, और लाइक तो जरूर, लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, ठीक है। और जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं वो लोग तो मेरे पास डिसलाइक ही दबाएंगे, ठीक है, तो दबाई लेना डिसलाइक, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पर लाइक करना जो लोग सपोर्ट करते हो। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।